नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज हम सीखेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। वो प्रोजेक्ट हम फॉर्मूला से ही करेंगे, हालांकि वीवीए से भी हो सकता है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो आप देख रहे हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जो हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है एक सही फॉर्मेट में नहीं है, जैसा कि होता है अगर बैक किसी बैंक स्टेटमेंट को आप पीडीएफ फाइल को अगर आप रखते हैं एक्सेल में तो वो अजीब तरह का आता है। लेकिन इसके ऊपर हम अपना एनालिसिस तो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे एनालिसिस करने के लिए इस तरह का डेटा चाहिए जहां पे इस तरह से पूरा सिक्वेंस में आए और हम उसका एनालिसिस कर सके। तो मुझे इस तरह की चीजें चाहिए, माने इस डेटा को हमें इस डेटा में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे 2500 से ऊपर वीडियोज हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर कभी मेरी वीडियो की सर्च करने की जरूरत पड़े तो आप जस्ट आईपीटी इंडिया है, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। साथ में आप मेरे मोबाइल नंबर को भी नोट कर लीजिए, कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं। हम लोग जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस देते हैं, जो कि एक वेब मीटिंग होता है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कह सकते हैं इसको, जिसके जरिए हम आपको लाइव इंटरेक्टिव पढ़ाते हैं। इसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग है जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चनिंग वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। बट हमारे ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पास स्मॉल साइज बैच होता है, 2-3 लोगों का बैच होता है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, फ्री रहते हैं। दूसरी चीज, आप चाहो तो हमारी पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हो, हम लोग पेन ड्राइव भी सेल करते हैं। आप अगर चाहे तो पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव मतलब इसमें हमारी सारी वीडियोज का सिक्वेंस होता है, उस सिक्वेंस को भी आप परचेज कर सकते हैं। 16 GB की पेन ड्राइव होती है जिसमें 12-15 GB का डेटा हो, इसमें एक्सेल वीवी एक्सेल सब कुछ होता है, पर रिकॉर्डेड होता है, ये भी ले सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो हेडिंग जो हमारा चाहिए, इस हेडिंग को ले लेता हूँ। हेडिंग को इस तरह से चाहिए हमें। उसके बाद मेरे डेटा में एक यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं था, इस तरह से डेटा था, सीरियल नंबर डिलीट कर दिया, बनाया हुआ है पूरा हट गया। तो इसमें ये हमारा सीरियल नंबर, इसमें हमें लेना है। तो इसमें क्या हुआ कि एस लॉक जो है हमारा, तो एस लॉक, ये जो नंबर्स हैं ये एस लॉक कहलाते हैं। जी हाँ, ये नंबर एस लॉक कहलाते हैं। ये हमारा बैच आईडी है, ये हमारा नेम है, और ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा, एक मिनट मैं कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि तो इस फॉर्मूला के थ्रू है, मैं इसको एक बार ये कर देता हूँ कॉपी करके वैल्यू पेस्ट। तो हमें चाहिए एस लॉक, एस लॉक जो है हमारा ए है, मेनली हमारा एस लॉक है। उसके बाद ये हमारा आईडी है, उसके बाद आप देखेंगे मटेरियल आईडी आ गया, इसका मटेरियल डिस्क्रिप्शन है जो कि आपके सामने ये दिख रहा है मटेरियल डिस्क्रिप्शन, और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है जो कि ये आपका ये जो दिख रहा है ए होता है। उसके बाद इसमें यूनिट में आपका ये जो यहाँ पे जो भी होगा नो हो या कुछ और भी हो सकता है, वो हमारा यूनिट होता है, और ये हमारा टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, और यहाँ पे करेंसी है, करेंसी आपको साइड में होता है नो के नीचे, और ये हमारा यूनिट पर वैल्यू, तो जैसे तो जस्ट डिवाइड है कि हमने इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड किया, सिंपल से। तो अब चलिए डेटा को स्कैन करते हैं। तो डेटा में आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास
इसको हटा देता हूँ। हाँ डेटा ये होता है ओरिजिनल डेटा में देख रहे हैं कि इसमें कोई एरर नहीं, लेकिन इसमें सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये है कि जो हमारा एसलॉग है उसके ऊपर हमारा आईडी होता है और आईडी वाले ही कॉलम में हमारा प्रोडक्ट मटेरियल डिस्क्रिप्शन होते हैं और ये जो हमारा जो एसलॉग है उस वाले लाइन में हमारा जो है वो माने यूनिट और जो दो चीजें होती है वो है टोटल वैल्यू उसके नीचे होता है उसी के जस्ट बगल में INR होता है और इसी सीक्वेंस को नीचे तक फॉलो किया गया है। तो चलिए इसको हम अपने हिसाब से करते हैं। तो एक नया रो यहाँ ऐड करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इफ का इफ और यहाँ पे एंड का एंड कि सामने वाली वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो ऊपर वाली वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करो अदरवाइज ब्लैंक, और इसमें एरर आने के चांसेस हैं। तो हमने यहाँ पे नहीं नहीं इसमें ऊपर वाली वैल्यू नहीं, यहाँ पे मैक्स होगा, माफ कीजिएगा मैक्स, मैक्स प्लस वन, और इस पे एरर आने के चांसेस हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ एरर लगा दिया, इफ एरर और यहाँ पे अब हमारे पास जो ए है A3 को हम फ्रीज कर देते हैं F4 से। हम क्या कर रहे हैं, सबका एक सीक्वेंस नंबर जनरेट कर रहे हैं जहां जहां आप एस लॉग से फोर WMS जो है एस लॉग है, जहां जहां एस लॉग है वहां एक सीरियल नंबर जनरेट कर देगा। बस मेन हमारा मकसद यही है कि जहां जहां एस लॉग है वहां वहां। तो ये टोटल हटा देता हूँ, टोटल नहीं चाहिए हमें। तो जहां ना एस लॉग था वहां हमारा सीरियल नंबर आ गया। अब हम अपने डेटा शीट में आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं मैनुअली, यहाँ पे वन दे देता हूँ मैं, यहाँ पे मैनुअली हम वन, यहाँ वन दे देते हैं और फिर इसके नीचे कंडीशन देते हैं कि इफ ऊपर वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है मैक्स, और हमने अपनी जो डेटा शीट है उस पे गए और कॉलम ए को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ऐसा है तो यहां पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज ए टू प्लस वन, और इसमें भी एरर आने के चांसेस हैं। तो हमने यहाँ पे इफ एरर किया, एक क्या किया कि जितना सीक्वेंस नंबर हमारे फोर्ड फोर डब्ल्यू एम एस वाले शीट में है, डेटा शीट में है, उतना ही सीक्वेंस ये जनरेट करेगा, उससे ज्यादा सीक्वेंस जनरेट नहीं करेगा। और जितना डेटा चाहिए हमें, जितना डेटा अवेलेबल है उतना ही, 27 है तो फिर 27 किया जाए। अब मैं यहाँ पे एस लॉग चाहिए तो जनरली हम सिंपल सा वी लुकअप लगा लेते हैं, वी लुकअप, और हमने यहाँ पे है कॉमा 2, 0 अब मटेरियल कोड उससे ऊपर है तो उसको फिलहाल छोड़ते हैं। इस लाइन में क्या किया है, तो इस लाइन में हमारा ये है मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, नहीं ऊपर है मटेरियल ऊपर है, ये है आपका, ये दोनों है। तो यहां भी हम वी लुकअप लगा देते हैं, चाहे हाँ इसको सेलेक्ट किया हमने, एक दो तीन, ये आपका 6 आया। और इसी वी लुकअप को कॉपी करते हैं
यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे सेवन आ जाता है। तो ये तो VLOOKUP से आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाकी जो है ऊपर नीचे, जैसे कि टोटल करेंसी और टोटल अमाउंट नीचे है और आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड कोड ऊपर है, तो उस केस के लिए हम यूज करेंगे अपनी मैच की फॉर्मूला, ऑफसेट और मैच। यहाँ पे हमने ऑफसेट दिया, ऑफसेट में हमने रेफरेंस दिया स्टार्टिंग ऑफ द डेटा जो कि ये है, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ ये है, और फिर हमने दिया मैच का फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला में हमने मैच किया ए टू को किसमें, इसके अंदर, ताकि हमें रो नंबर बता दे और हमारा कॉलम नंबर जीरो। तो आ गया नंबर, अब नंबर क्यों आया चलिए क्या बताता हूँ आपको, फॉर्मूला एवलेट करके, फॉर्मूला एवलेट हुआ एच टू। अब देखिए एवलेट होने के बाद क्या रिजल्ट आया, मैच रिजल्ट दिया सेवन, और फिर सेवन का रिजल्ट आपके सामने है। तो सेवन क्या है देख देता हूं, यहां से सेवन नंबर इसका दिया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। हमें जब सेवन आया तो हमें स्टार्टिंग ऑफ द डेटा मतलब कि ए वन, ए टू नहीं, यहाँ पे मुझे ए वन पे रखना चाहिए, तो ये सॉरी यहाँ बी वन होगा, यहाँ पे तो ये अजय हुआ, ये क्या हुआ कि यहां से चला जीरो, यहां से चला जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ आएगा। लेकिन बात है कि हमने टू माइनस कर देना है, क्योंकि वन तो जनरली माइनस होता ही है ऑफसेट में, ऑफसेट मैच जब लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें टू माइनस करना होगा मैच के रिजल्ट में। और इससे पहले भी तो रिजल्ट आ रहा था, इससे पहले जो रिजल्ट आपका आ रहा था वो गलत आ रहा था। मैंने इसको एक बार प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाके इसको एक बार कस्टम में जाता हूँ और एक हैश देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैंने कोड पूरा दिख जाए। हाँ तो दिख रहा था आपको तो किसी और का दिख रहा था, क्योंकि वो सेवन यहाँ से कर रहा था, तो यहां से सेवन मतलब इसको शो कर रहा था। अब रिजल्ट सही देगा। अब इसी फॉर्मूले को मैं फ्रीज कर देता हूं, यहां मान लीजिए इसको फोर से, और ए टू नहीं फ्रीज होगा, हाँ ए फ्रीज होगा। अब इसको कॉपी करता हूं फॉर्मूले को, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर है वो चेंज हो जाएगा। कॉलम नंबर चेंज क्या हो जाएगा कि जीरो वन टू थ्री, यहाँ ऑफसेट में कॉलम नंबर के जगह पे थ्री कर देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब टोटल वैल्यू जो है हमारा, टोटल वैल्यू, अब यहाँ पे टोटल वैल्यू लाना है, तो सबसे पहले कॉलम पे देखते हैं। कॉलम आपका हो जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर, कॉलम नंबर फोर होगा। रो नंबर जो मैं माइनस टू किया है वो माइनस वन होगा, तो यहाँ पे माइनस टू की जगह पे माइनस वन एंड जीरो की जगह पे फोर, हमारा टोटल नहीं टोटल वैल्यू मतलब यूनिट आया, माइनस टू नहीं होगा, माइनस वन नहीं होगा, माइनस हाँ क्यों माइनस वन नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसके नीचे है ना टोटल,
उसके बाद यहाँ पे करेंसी की बात करें तो करेंसी में हमारा माइनस नहीं होगा और 4 की जगह पे हमारा 5 करेंसी आ गया। और यूनिट तो पता ही हमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है नंबर से, ये आ गया। अब इसको बस क्या करना है, ड्रैग करना। तो इस काम अब एक एक करके इसको अरेंज करने में दिक्कत होता, अब इस डेटा पे हम अपने हिसाब से इजीली इस पे पिवट वगैरह लगा सकते हैं। हाँ, इस काम को वीवी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन वीवी के थ्रू के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा हमें। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को वीवी के थ्रू कैसे करें, क्योंकि तो इस पे तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले लगाए हैं। और हम वीवी के थ्रू बताएंगे कि विदाउट फॉर्मूला हम वीवी प्रोग्रामिंग राइट के कैसे बनाएंगे, ये हम अपने अगले चैप्टर में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नंबर नोट कीजिए। आपको हमारे साथ अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।